हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट हमें क्यों ज़रूरी है, तो हमने ये सब सीखा था। और फ्रेंड्स, आज हम ये सीखेंगे कि आपको इस कोर्स के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं या जो आपको रेफरेंसेस बुक्स हैं, वो आपको कौन कौन से यूज़ करने हैं, जिस जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम यही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से बुक्स हैं या कौन कौन से रेफरेंस बुक्स हमें यूज़ करने हैं, जिनकी मदद से हम अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम जिनको क्लियर कर सकते हैं और अपना एक प्रॉपर वे से हम इसको समझ सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे कोर्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से बुक्स आपको रिकमेंडेड हैं, सो फ्रेंड्स मैं आपको आज यही बताऊंगा कि कौन कौन से आपको बुक्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको जो बुक्स रिकमेंडेड हैं वो ये हैं कि एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इरवी एंड क्रेजिंग, ये इसको कोड है, और इसकी एडिशन जो है वो 9th एडिशन है। तो आपको ये बुक बाय करना है, और अगर बाय नहीं कर सकते आप, तो दूसरी मेरी एडवाइस ये है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या जिस आप उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिस इदारे में पढ़ते हैं, तो आप वहाँ से मे बी वहाँ की लाइब्रेरी में ये अवेलेबल हो सकता है। अगर अवेलेबल है तो आप वहाँ से जो है वो इशू करा सकते हैं, और या वहीं आप यूज़ करके पढ़ सकते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपको मेरी तरफ से राय है और ये सजेशन है कि आप ये करें कि ये बहुत तरीके से मे भी आप बाय नहीं कर पाएँ, आप नॉर्मल हो सकते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, दूसरा जो है वो रेफरेंस बुक्स हैं वो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो है चार्लिस के अलेक्जेंडर पब्लिशर, एम सी ग्राहल एडिशन, ये 5th एडिशन है, और ये मैथमेटिकल मेथड्स जो है एस एम यूसुफ का है, तो एस एम यूसुफ है, तो आपको ये दोनों ये जो बुक्स हैं आई थिंक ये बुक्स आपको बाय करने या किसी भी तरह आपको ये इन बुक्स का यूज़ करना है। जैसे अगर आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल बुक्स नहीं हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं, ऐसे भी हम बहुत कुछ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सी चीज़ें सिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट अवे, सो हमारे साथ जुड़े रही हैं, और ये जो है आज यही सिर्फ था, और इसके बाद आगे हम जो सीखेंगे वो है वो कोर्स की जो आउटलाइन है वो हम आपको बताएंगे कोर्स की क्या क्या आउटलाइन है और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो नेसेसरी हैं। सो फ्रेंड्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।